अब बात ग्रेट कंपोजर, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर की। आर पार मिस्टर मिसेस 55 सीआईडी तुमसा नहीं देखा, नया दौर, हावड़ा ब्रिज, उनका म्यूजिक हमेशा रहेगा। थोड़े से गुस्सेल थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लोगों के साथ झगड़ा हो जाता था ऐसा सुना है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये नेचर में गुस्सा, ये शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों आया। नैयर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि ये सब जो जलाली नेचर था, बचपन की सैड कुछ घटनाएं थी जिनकी वजह से आया, बचपन की कुछ दुर्घटनाओं की वजह से आया। बचपन बहुत खराब भी था, बहुत सारी मुसीबतों की वजह से अंदर में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ गया था। लाहौर में पैदा हुए थे, बाद में फैमिली शिफ्ट हो गई अमृतसर। लाहौर से घर छोड़कर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन यहीं से शुरू हो गई। फिर अमृतसर आने पर भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई, बचपन में ही कई तरह की बीमारियों से घिरे रहे। 1.5 साल तक गले की तकलीफ रही, सांस लेने में दिक्कत आती थी, उससे निजात पाई तो अगले 3 साल तक उन्हें ब्लड डिसेंट्री नाम की बीमारी हो गई। ब्लड डिसेंट्री में मरीज के पेट में बहुत दर्द होता है, किसी तरह वो ब्लड डिसेंट्री से ठीक हुए तो उन्हें लगातार 3 बार टाइफाइड हो गया। इतना सारा वक्त बीमारी में बीतने की वजह से चिड़चिड़ापन उनके अंदर घर कर गया और कुछ रही सही कसर माँ बाप ने पूरी कर दी। माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त स्वभाव के थे, छोटी छोटी बात पर उन्हें घर पर बहुत मार पड़ती थी और बाहर जाने की परमिशन भी नहीं थी। एक बार जब वो घर से बाहर गए थे तो उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया। जब घर आकर सबको बात बताई तो उनका इलाज सही तरह से करने के बजाय घर वाले मजाक उड़ाने लगे। तो इस तरह के माहौल ने, इस तरह के संघर्ष भरे जीवन ने और मिसहैप्स ने अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन ला दिया और बाद में नैयर साहब का यही फ्रस्ट्रेशन लोगों पर भी उतरा। लेकिन नैयर साहब ग्रेट कंपोजर थे। एक रात देवानंद के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देवानंद ने पूछा, कौन? आवाज आई, डाकू बगर सिंह। फिर क्या हुआ देवानंद का, जानने के लिए आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।